पंजाब के खिलाफ आरसीबी की टीम की लगातार चौथी जीत को देखने के बाद मन में केवल एक ही सवाल आता है, क्या आरसीबी की टीम अभी भी प्लेऑफ के रेस में दौड़ रही है? क्या आप सबकी फेवरेट आरसीबी की टीम अब भी उस स्पेशल फ्लाइट का हिस्सा बन सकती है जिसमें केवल चार सीट हैं और चौथी सीट पर क्वालिफाई करते हुए आरसीबी की टीम क्या वाकई में बैठ सकती है क्या प्लेऑफ में इस बार के सीजन में? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आरसीबी की टीम बैक टू बैक विन दर्ज कर रही है। वैसे ये काम उन्हें सीजन की शुरुआत में करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आरसीबी की टीम ने गुजरात को दो मैच हराया, एसआरएच को हराया और अब पंजाब की टीम के अगेंस्ट धर्मशाला के मैदान में सुपर परफॉर्मेंस दी है। एज ऑलवेज किंग विराट कोहली का रोर देखने को मिला। उनकी शानदार 90 से ज्यादा रन की इनिंग थी और स्ट्राइक रेट भी 190 के ऊपर ही रहा। तो विराट कोहली ने अपनी इस आइकॉनिक इनिंग में 47 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे, 7 चौके जड़े और 92 रन की पारी खेली थी। पाटीदार ने भी 55 रन बनाए और कैमरून ग्रीन के साथ के चलते टीम का स्कोर 241 तक पहुंच गया। मतलब की जीत ऑलमोस्ट कन्फर्म हो ही चुकी थी, बस थोड़ा बहुत डिफेंड करना था अब गेंदबाजों को। सिराज ने 3 विकेट लिए फटाफट से और थोड़ा बहुत रायली रसोव की तरफ से एग्रेशन देखने को मिला था उनकी पारी के दौरान, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए मैच एक तरफा हो गया और आरसीबी की टीम ने 60 रन से मैच को जीता है, जिससे कि पॉइंट्स टेबल में अच्छा खासा उछाल आ चुका है। आरसीबी की टीम अब 7th पोजीशन पे आ गई है, लेकिन जो उनको खास बनाता है वो उनका नेट रन रेट है और जनाब इस नेट रन रेट पे ही सारी गेम टिकी हुई है, क्योंकि जो टीमें प्लेऑफ में पहुंचने वाली थी वो भी लगातार मैचेस हार रही हैं। और कैसे इसी नेट रन रेट के चलते आरसीबी की टीम अपने बचे हुए मैचेस जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, चलिए फटाफट से पता लगाते हैं। तो पॉइंट्स टेबल इस समय पर आपके सामने है, ऊपर की दो टीमों को इग्नोर कीजिए, राजस्थान और केकेआर की टीम है। ऑलरेडी राजस्थान तो क्वालिफाई कर चुकी है और केकेआर भी कर ही जाएगी, उनके भी 16 अंक हो चुके हैं। लेकिन आप इस पॉइंट्स टेबल में 3, 4, 5, 6 नंबर वाली टीमों पर नजर डालिए, एसआरएच, सीएसके, एलएसजी और डीसी की टीम। एसआरएच की टीम के भी 14 पॉइंट्स हो चुके हैं और यहां से उन्हें अपने दोनों मैचेस हारने होंगे। सीएसके की टीम के 3 मैचेस बचे हैं, अगर देखिए वो जीत के क्वालिफाई कर भी जाएं तो ज्यादा दुख नहीं होगा, तो वो भी अगर हार जाएं तो ज्यादा बेहतर है। 14 पॉइंट्स तक उन्हें रोकने के लिए वो भी केवल एक ही मैच जीते तो ज्यादा बेहतर है। डीसी की टीम को भी अपने मैचेस हारने होंगे, साथ ही साथ एलएसजी को तो हारने ही होंगे। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि सबको 14 अंक पर आना होगा। इस बीच अगर एक टीम क्वालिफाई कर भी जाती है फिर भी एक सीट तो बचेगी। और फिर आती है अब आरसीबी की गेम। देखिए आरसीबी की टीम के 2 मैचेस हैं, एक तो सीएसके के साथ ही है जो उन्हें हर हाल में जीतना है। एक्चुअली उन्हें दोनों मैचेस जीतने हैं और दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ बड़ा अंतर भी क्रिएट करना है, या तो ज्यादा विकेट से जीतें या ज्यादा रन से जीतें, ताकि नेट रन रेट में और ज्यादा बढ़ोतरी आ जाए। हाँ, आरसीबी की टीम के पास एक प्लस पॉइंट है, उनका नेट रन रेट अब भी एलएसजी और डीसी की टीम से ज्यादा है, तो अगर वो इसे मेंटेन रखेंगे तो ये ज्यादा ही हो जाएगा। और अगर एसआरएच और सीएसके की टीम में से किसी एक का कदम फिसला तो वहां पर भी आरसीबी की टीम बाजी मार सकती है। तो आरसीबी स्टिल इन द रेस, वो पॉइंट्स टेबल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अभी भी काबिल हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, और कहते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लेकिन अब देखना होगा कि आरसीबी इस सीजन में प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी या नहीं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, आरसीबी की टीम बचे हुए मैचेस जीत पाएगी, और जीत पाएगी तो क्या क्वालिफाई कर पाएगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब। थैंक यू।